आपके द्वारा क्रिया की गई थी, क्या है? जिस तरीके से इंद्र देवता रुके थे उसको मनाने के लिए, इंद्र देवता को मनाने के लिए हमने हमारे जो पूर्वज बता गए थे कि किस तरीके से बरसात भी होती है, लगभग एक माह हो गया था बारिश का, कहीं से कहीं तक अता पता नहीं था। तो हमने गधों को ले जाके ने शमशान में जाके एक पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना करने के बाद गधों को हमने वहाँ पे छोड़ा। गधे वहाँ से चले, 3 दिन में अपने मालिक के घर पहुँचे और तीसरे दिन पानी आ गया। इससे व्यापारियों में खुशी, किसानों में खुशी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना गधों को भी सेवन करवाया जाए कुछ ना कुछ। तो हमने भगवान को गुलाब जामुन अर्पित करके गधों को गुलाब जामुन जब रखे तो उन्होंने गधों को ने गुलाब जामुन का सेवन किया, और उसको साथ साथ हमने उनके जो मालिक है उनका भी सम्मान किया कि कहीं ना कहीं जिस जो वातावरण अपना से कहीं ये हो गया था, दूषित हो गया था, वो सही हुआ और अच्छी बारिश क्षेत्र में हुई है। क्या मानते हैं आप, गधों को बुला गधों की पूजा अर्चना से ही शहर में भारी भीड़? हाँ, मेरा तो यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिया की है उस क्रिया का नतीजा है कि तीसरे दिन बारिश हुई है और आगे अच्छी और बारिश होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या मानते हैं आप, क्षेत्रवासियों को किस तरह से? क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है, व्यापारियों में खुशी की लहर है, हर व्यक्ति खुश है। कोई व्यक्ति ये नहीं है कि बारिश नहीं, बारिश के लिए सभी प्रयास थे कि अच्छी बारिश हो, उससे काफी वातावरण अच्छा है शहर का।